लेते हैं हाँ आप लोग कंटिन्यूसली आंसर करो ठीक है जतिन का आया एंजल का है और इसके ऊपर इंशा ने भी कराया कराया ने भी करा अभिषेक ने भी कराया कि ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर सो वी स्टडी दैट वेन वी है लॉन्ग स्ट्रेट वायर देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर ठीक है कॉन्सेंट्रेट सर्कल्स बनते हैं हियर इज योर आंसर इस बार मैं जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ उसमें मैं आंसर्स भी दे रहा हूँ आपको क्योंकि कई बार क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजों को पर आप जाके आपको थ्योरी में लिखना है वहां पे थ्योरी में राइट डाउन करना है एग्जामिनेशन में अपने तो इसलिए मैं आपको आंसर भी दे रहा हूँ आप आंसर कैसे करोगे वहां पे ठीक है तो आंसर आपको करना है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर ऑन अपलाइंग राइट एंड थम रूल वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड

जस्ट अभी स्टडी करा भाई जतिन ने आंसर सही कराया एंजल ने सही करा अभिषेक ने सही करा कराया बेटा चेक करो ना जस्ट अभी तो अपन ने सॉल्व कराया नहीं रॉन्ग है और इंशिया से ही मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी जस्ट स्टडी कराया व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल इंड्यूस्ड करंट क्या होता है सर इंड्यूस्ड करंट क्या होता है अभी तो आपको पूरा ई एम आई एक्सप्लेन कराया मैंने आपने नोटिस नहीं करा इंड्यूस्ड करंट होता है जब आपने इस मैग्नेट को जब आपने इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर मूव कराया ना तो उसकी वजह से करंट आया है इस कॉइल के अंदर उसकी वजह से करंट आया नहीं, उसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड हुआ है इस कॉइल के अंदर तो इसलिए इस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं समझ में आई बात इसलिए इस करंट को क्या कहते हैं इंड्यूज करंट कहते हैं ठीक है, है तो ईएमआई के अंदर क्या होता है रिलेटिव मोशन होता है मैग्नेट और कॉइल का और जिसकी वजह से क्या होता है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है सो योर आंसर इज सी सी इज अ करेक्ट आंसर ठीक है इनशिया है ना तो लर्न करो देखो क्वेश्चन तो यह आंसर भी मैंने इसके साथ में आपको दिया है इस बार है ना नोट्स में मैंने इस बार आपको आंसर्स भी लिए है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आराम से स्टडी करो इसको लर्न करो प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना एंड टू फ्लो इन अ अल एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन एंड अराउंड अ कॉइल ठीक है सो देयर इज अ एक्सप्लेनेशन आल्सो यू कैन राइट योर आंसर नाउ द डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट जनरेटर गैल्वेनोमीटर अमीटर मोटर आई थिंक आई थिंक बाकियों को रिजेक्ट करके आप एक सही आंसर निकाल सकते हो प्रोड्यूसिंग नॉट मेजरिंग आई एम सेइंग नॉट मेजरिंग प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट

मैं अभी लॉन्ग आंसर टाइप जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको उसमें जनरेटर और मोटर का कंप्लीट प्रिंसिपल उसके पार्ट्स उनकी वर्किंग सब कुछ सॉल्व कराऊंगा ठीक है ना और नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको उसके आ, अभी इसको स्किप करता हूं मैं क्योंकि हमने अभी करा नहीं है जनरेटर ठीक है आगे जाते हैं एट टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इसको कौन आंसर करेगा गुड क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट क्या होता है reduces substantially does not change increase heavily vary continuously so what is the answer of this question number five what happens when you do a circuit shot ah, chin answer karai. very good very good anyone else angel and very good so हाँ करेक्ट है इंशिया का भी सही कर, सही सही है क्या? हाँ, आपका भी है है का भी भी बिल्कुल क्या आपका करेक्ट है जतिन का भी करेक्ट है ठीक है जब भी आप शॉर्ट कर देते हो वायर तो करंट जो होता है वो इंक्रीज होता है हैवीली ठीक है क्या होगा एट द एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इन टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड एज अ रिजल्ट द करंट इन द सर्किट abruptly increases ठीक है so ये जो answers में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये और अच्छी क्लियरिटी देंगे आपको आपके आंसर लिखने में एग्जाम्स में ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम्स इन इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट एंड एज अ रिजल्ट द करंट इन द सर्किट एब्रटली इंक्रीजेस ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आपको यहाँ आप पर स्टेटमेंट दिया हुआ बताना है स्टेटमेंट बताना मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये ट्रू है या फॉल्स है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभिषेक ने आंसर कराया जतिन ने कराया और थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास काफी सारे हैं ठीक है थीके? तो थोड़ा फास्ट आपको आंसर करने पड़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर अपने जो फैन लगे हुए हैं जो फैन है घर में वो इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं तो क्या करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं है ना और ये क्या लिख रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे तो ये तो फॉल्स हो गया हाँ इनशा करेक्ट है ये क्या हो गया फॉल्स स्टेटमेंट हो गया तो ए हो गया हमारा बी देखें इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ट्रू है या फॉल्स है सेकंड वाला हाँ जतिन करेक्ट है चिन्ह में करेक्ट है और उसे ना एबसेंट है क्या आज एंजल करेक्ट है बिल्कुल है ना तो ये जो है ट्रू आ जाएगा जो जनरेटर हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने अभिषेक ट्रू ही आएगा ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर तो ये आपका ट्रू होगा ठीक है सी देखो द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरल स्ट्रेट लाइन सी का बताना है क्या है सोलिनॉइड है बिल्कुल एंजल करेक्ट है काफी सारे स्टूडेंट्स के करेक्ट है तो ये भी क्या जाएगा ट्रू हो जाएगा क्योंकि सोलिनॉइड में आप जानते हो सोलिनॉइड uh, के अंदर क्या होती है पैरल लाइन्स होती है अच्छा समझ में नहीं आया फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल के अंदर जो फील्ड लाइन हो, होती है कि नहीं होती? किया था ना अपन ने उसी का ही तो क्वेश्चन नहीं है. है ना तो उसी का तो ट्रू आ जाएगा आंसर अभिषेक आया समझ में ठीक है सोलिनोइड में तो आपने देखा ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमने ड्रॉ करी थी वो किसी आई थी पैरल आई थी तो ये आंसर ट्रू हो जाएगा बताना है आपको इलेक्ट्रिक uh, सप्लाई हाँ करो इसके आंसर इसको चेक कर लेंगे अपन सारे आंसर चेक कर लेंगे अपने एक बार ठीक है मेरा सही है क्या हाँ एक बार चेक कर लेते ना हाँ देखो मैं आंसर ही शो कर रहा हूँ आपको फर्स्ट वाला फॉल्स था अपना ठीक है फर्स्ट वाला फॉल्स था फर्स्ट वाला फॉल्स सही है ठीक है और नेक्स्ट देखते हैं सेकंड 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 जो ट्रू है आप लोगों ने भी ट्रू बताया बिल्कुल सही है ठीक है, है है ना थर्ड वाला देखो आपका थर्ड ट्रू है थर्ड अपना भी ट्रू है लास्ट लास्ट वाला remember, false. False. तो लास वाला यू हैव टू जस्ट दिस इज फॉल्स तो अपना क्या है फॉल्स है ये डी फॉल्स करेक्ट आ रहे हैं सारे है ना इसमें क्या होगा आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को समझने की कई बार थ्योरी अपन को अच्छे से आती है बट क्वेश्चंस किए हुए नहीं होते तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं तो लिस्ट थ्री सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स तो इसका आंसर तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है आप यहीं से लर्न कर लो क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन था लिस्ट थ्री सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्री सोर्सेस बताने आपको मैग्नेटिक फील्ड के तो पहला क्या है फर्स्ट क्या है मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसिंग अ परमानेंट बार मैग्नेट और अ हॉर्स शू मैग्नेट एट द प्लेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड तो पहला तो फर्स्ट तो पॉइंट ये कर सकते हो आपके जहां पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है वहां पर हम क्या करें बार मैग्नेट या शू मैग्नेट को प्लेस कर देते हैं और क्या कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड हाँ बेटा इसलिए मैंने आंसर साथ में दिया है एक बार देख लो आप मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर और अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या आप क्या कर सकते हो सर्कुलर कॉइल रख दो या करंट कैरिंग वायर रख दो उसमें करंट फ्लो हो ही रहा है तो उससे भी क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट क्या है अ वेरी गुड मेथड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन अ अट और एक सोलिनोइ से भी कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से आपके पास अगर ये क्वेश्चन बनता है कि लिस्ट थ्री सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन यू कैन राइट दीज आर द थ्री सोर्सेस बाय व्हिच यू कैन प्रोड्यूस और यू कैन जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड वेयर एवर यू वांट ठीक है सो दिस दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7 नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर है ठीक है और ये मैंने इसलिए आपको इतना प्रोवाइड कराया है कि आप इनको रीड करो और एग्जाम में अगर इस तरह का डिस्क्रिप्शन आ जाता है ठीक है होर्थ श्यू मैग्नेट में भी वही होगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल पोल्स होंगे ना होर्सू मैग्नेट में भी तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे आपने बार मैग्नेट में बनाई थी बिल्कुल वैसी आपको तो खाली पोल्स देखने हैं उसके ठीक है तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल बन जाएगी उसमें भी लाइक का बार मैग्नेट ठीक है तो जल्दी से एक ये क्वेश्चन में देता हूं आपको देखो क्या है हाउ डज अ बिहेव लाइक अ नहीं नहीं ऐसा नहीं देखो मैं बता देता हूं आपको ऐसे ये शू मैग्नेट है आपके पास ये शू मैग्नेट ठीक है थीके? तो शू मैग्नेट है इसका एक तो नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा मान लो ये वाला नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे यहाँ पर तो कैसे जाएगी नॉर्थ पोल यानी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आउटसाइड द द बार मैग्नेट मैग्नेट तो तो आएंगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगी और इनसाइड क्या जाएगी इनसाइड जो जाएगी वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएगी इनसाइड जो होगी इसके वो कैसी जाएगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएगी इस तरह से बाकी आप देख लो नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है तो वो इस तरह से आप बना दो ठीक है तो नॉर्थ पोल से तो बाहर निकाल देना ये नॉर्थ पोल से सारी बाहर निकल गई और साउथ पोल के अंदर कर देना तो ये साउथ पोल के अंदर इस तरह से आ जाएगी ये आ गई साउथ पोल के अंदर ठीक है आउटसाइड वाली बात कर रहे हैं और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देना आप इस तरह से ये इस तरह से बना देना और ऐसे नीचे भी बन जाएंगी ये ऐसे नीचे भी बन जाएंगी ठीक है नीचे मतलब है ना ऐसे बन जाएंगे मैं आपको शेयर कर दूंगा इसमें जैसे अगर क्लियरली समझ में नहीं आ रहा हो आपको तो ठीक है तो इस तरह से आप डिराइव ड्रॉ uh, कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होर्स शू के लिए भी इन साउथ से नॉर्थ बनानी है आपको और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ बनानी है ठीक है अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक क्वेश्चन देख लो आप तो हाउ डज अ अड बिहेव लाइक अ मैग्नेट कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट देखो मैंने आपको नहीं बेटा एंजल कोई इतना टेंशन नहीं लेना मुझे मालूम है आप आपको हमने सिखाया है आपको अच्छे से आता है आप मेरा पर्पज समझो कि मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आंसर क्यों मैंने पेस्ट करे ठीक है मेरा पर्पस क्या है मेरा पर्पस ये है कि मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि सोलिनोइड होता क्या है सोलिनोइड में पोल कैसे डिसाइड करते हैं सोलिनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है मैंने सब सिखाया हुआ है आपको पर मैं ये नहीं चाहता कि जब आप पेपर पे लिखो एग्जाम में तो वहां आपके नंबर कट जाए ठीक है इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये आंसर पेस्ट किए हुए हैं कि आप इन आंसर को एज इट इज लर्न करो कॉन्सेप्ट आपको सबको आता है पर होता है क्या है कि कई बार हमारे लिखने जो पेपर पे हम लिखते हैं वही तो एग्जामिनर देखेगा ना ओरल एग्जाम तो वो अपना ले नहीं रहा ताकि हम उसको बता पाए कि देखो हमें इतना पता है इतनी नॉलेज है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए ठीक है इस तरह के क्वेश्चन जब आप करोगे पेपर में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप में से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बना सकता सोलिनोइ के जिसको ये नहीं पता हो सोलिनोइ होता क्या है या जिसको ये नहीं पता कि पोल कैसे डिसाइड करते हैं सोलिनोइड के कौन सा रूल लगाते हैं पोल डिटरमाइन करने में तो आई डोंट थिंक की आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं आता होगा पूरा अच्छे से आता है क्योंकि हमने सिखाया भी आपको ठीक है बट हाउ टू राइट योर आंसर सो यू जस्ट नीड टू रीड आउट ऑल दीज आपको रीड आउट करना है देखो करंट इज is... ये डायग्राम आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है डायग्राम मैंने आपको बनवाए हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वो डायग्राम आपको बनाने ओनली थ्योरी आप जरूर रीड कर लें कि व्हेन करंट इज पास थ्रू अ सोलेनोइड कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ईच टर्न ऑफ सोलेनोइड कॉइल is in the same direction as a result the resultant magnetic field become very strong and uniform the field lines inside the solenoid are the form of parallel straight lines along the axis of solenoid thus the solenoid behaves like a bar magnet one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole while the other end behaves as the south pole we can determine the magnetic poles formed in a solenoid the end of the current carrying solenoid which attracts north pole but ripple south pole of a bar magnet is behaving as a south magnetic pole the other end which attracts south pole of a bar magnet but ripple the north pole is behaving as a north magnetic pole and it is because like poles repel but unlike poles attract each other so you just need to learn that how to write the an answer in your answer book when when you do a मैन यू गिव अ एग्जाम तो वहाँ किस तरह से आपको लिखना है ये आपको आना चाहिए ठीक है इसलिए जब मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूँ इन क्वेश्चन के आंसर स्पेशली जो इस तरह से है हाँ हाँ बिल्कुल देखो मेरा जो अप्रोच होता है एक्चुअली मेरा अप्रोच क्या है आपने देखा होगा हमारे पढ़ाने में अप्रोच हमारा अप्रोच हमारा रहता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग हो 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 एमसीक्यू टाइप टाइप का शॉर्ट आंसर के हो, वो आप सॉल्व कर सको ये कम्पलीटली एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नहीं है ठीक है इसलिए इन्होंने ये रीजन इस तरह से दिया हुआ है अदरवाइज ऑब्वियसली जब आप न्यूमेरिकल या कुछ पोर्शन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने जाएंगे तो ये थोड़ी ना लिखेंगे वहां पर तो वही क्लॉक फेस रूल वगैरह लगा के ही आपको डिसाइड करने पड़ेंगे ठीक है ना तो ये मेरा बेसिक पर्पज है यहाँ पर आपको आंसर भी प्रोवाइड कराने का ठीक है आगे देखो क्या दे रखा है इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट कब होता है जब प्रोपेंडिकुलर होता है इसका आंसर मैंने इसलिए पेस्ट कर दिया आई थिंक ये सबको ही आता है, है ना आप में से ये कह रहे हैं वेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट केरिंग कंडक्टर तो करंट केरिंग कंडक्टर है मतलब करंट इसका पता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी मुझे पता है मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है मुझे नोन है करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड मुझे नोन है तो ये तो लेफ्ट हैंड वाला रूल हो गया जिसमें कि फोर्स जो होता है वो हम फोर्स के डायरेक्शन को हम पता लगाते हैं और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हमको नोन होती है तो ये तो लेफ्ट फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया है ना तो फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो ये क्या कह रहे हैं फोर्स कब मैक्सिमम होगा फोर्स कब मैक्सिमम होगा जब जो है ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो एक दूसरे के प्रपेंडिकुलर हो ठीक है देखो यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं की आप कह दो कि तीनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के वो तो होंगे ही सही ऑब्वियसली फोर्स जो आ रहा है वो परपेंडिकुलर होगा बट आपकी जो नॉन वैल्यू है वो कौन है करंट और मैग्नेटिक फील्ड तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए परपेंडिकुलर होंगे तो जो फोर्स होगा उस पर क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा ठीक है आया समझ में इस तरह से आंसर करना, करना है क्या हाँ रिज्वाइन करना है